क्वेश्चन है, उसमें क्या बताया गया, दो चीजें दे रखी हैं इन्होंने, और फिर पूछा गया कि x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ओके, तो x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करने के लिए बोलता है तो जरा देखिए क्या दिया गया सॉल्यूशन, फिर क्या लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद दिया है, तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर क्या लिखेंगे दिया है, और दिया क्या गया है वो भी देख लीजिए जरा। ये दिया गया इन्होंने 1x1 1 ax एंड देन 1, इसके बाद में क्या दे रखा, इसके बाद में इन्होंने दे रखा 1 3 2 1 3 2 एंड देन 2 5 1 2 5 1 एंड देन 15 3 2 मतलब 15 3 2। ओके, एंड देन 1 2 x 1 2 x इक्वल्स टू क्या दिया गया 0। वैल्यू निकालनी है तो जरा क्या करेंगे, पहले इसका इसका मल्टीपल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं मल्टीपल। जब मल्टीपल करेंगे इसका इसमें, तो सबसे पहले होता है ये जो रो होती है, इस रो का इस रो में मल्टीपल होता है। अगर इस रो को इस रो में रखा जाए तो कैसा रखा जाएगा, 1 2 15 ऐसे ही होगा, इन दोनों में गुणा कर लो और प्लस का साइन लगा लो। तो अगर इसी रूप के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा, 1 × 1 फिर 2 × x + 2 × x + 15 × 1। ओके, ये एक हुआ। इसी तरीके से इसका किया जाएगा 3 5 का। ओके, तो इसका भी इसी तरीके से करिए, 3 5 एंड देन 3 करिए मल्टीपल, तो क्या होगा 3 × x या 3 × 1 5 × x, इसके बाद 3 × 1। इसके बाद सिमिलरली 2 का किया जाएगा इनका, तो क्या होगा 2 × 1 होगा, फिर 1 × x होगा, इसके बाद में 2 × 1 होगा। ओके, प्लस 2 × 1 होगा, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे एंड देन ब्रैकेट के बाद जो दिया गया क्या 1 2 x = 0 ये लिख लेंगे, राइट। जब इतना लिखेंगे अब इसे क्या करना है, सिंप्लीफाइड, तो जरा देखिए क्या होगा, 1 + 2 x + 15। ओके, ये कितना बनेगा 3 + 5 x + 3, ये कितना बनेगा 2 + x + 2, ये क्या बनेगा 1 2 x = 0, राइट। अब जरा बताइए 15 और 1 कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा 16 + 2 x, ये कितना होगा 3 और 3 कितना होता है 6, तो इसका मतलब कितना है 6 + 5 x। ओके, तो 6 + 5 x, ये 2 और 2 4 + x, फिर 1 2 x = 0। ओके, अब इनका जो ये टर्म आए हैं इनका इनके साथ मल्टीपल इसी तरीके से किया जाएगा, मतलब 1 का इसमें 2 का इसमें x का इसमें, तो जरा देखिए एक बार मल्टीपल कर लेते हैं। तो मल्टीपल जब करेंगे तो इसमें 1 का करेंगे तो यही टर्म रहेगा, इसका मतलब क्या रहेगा 16 + 2 x + जब 2 का करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 2 6 = 12 एंड 2 5 = 10, तो कितना होगा 12 + 10 x + फिर 1 का अगर इसमें x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 x + x² क्या बनेगा 4 x + x² राइट, कितना बन जाएगा 4 x + x² अब जरा इतना अगर देख ले इक्वल्स टू कितना है 0, इक्वल्स टू अगर 0 है तो इसे देखिए इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर 2x और 10x और 4x, 10 × 4 = 14 और 2 = 16x प्लस 16 और 12 कितना होता है 28 इक्वल्स टू 0। ये बताइए 14 × 2 कितना होता है 28 और 14 और 2 कितना होता है 16, तो इन दोनों का फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इक्वल्स टू 0, तो इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा x प्लस 14 प्लस 2 कॉमन लेंगे क्या बनेगा x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा x प्लस 14 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। व्हेन x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, तो ये प्लस का इधर जाएगा माइनस में, तो x इक्वल्स टू माइनस 14 हो जाएगा, राइट।
एंड देन x प्लस टू जब ऐसे ही लेंगे ओके तो x प्लस टू बराबर कितना होता है जीरो ओके तो अगर x प्लस टू बराबर जीरो होता है इसका मतलब प्लस का है जब उधर साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस टू हेंस क्या कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस चौदह कामा माइनस का दो ये आपका क्या होगा आंसर राइट लिख लीजिएगा एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए